आज सलारिया जनसेवा फाउंडेशन की ओर से कस्बा परमानंद के पास एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता स्वर्ण सलारिया ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के मेंबर व जिला पठानकोट, गुरदासपुर व होशियारपुर जिलों से करीब 100 शहीदों के परिवारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सलारिया फाउंडेशन व व्हाइट मेडिकल कॉलेज की ओर से इन परिवारों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने देश की खातिर अपनों को कुर्बान कर दिया। इस बारे में बात करते हुए सलारिया जनसेवा फाउंडेशन के फाउंडर व भाजपा नेता ज्योति प्रज्वलित कर इस प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीद देश की धरोहर है और उनका सम्मान करना हमारा सबका फर्ज बनता है, जिसके चलते पहली बार ये प्रोग्राम एक शाम शहीदों के नाम आयोजित किया गया है, जिसमें करीब 100 शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया, ताकि वह कभी भी अपने आप को अकेला महसूस न करें। वह इस प्रोग्राम में विशेष तौर पर पहुंचे शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव रविंदर विक्की ने कहा कि इन शहीदों की शहादत के कारण ही आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिनका सम्मान करना हर एक का फर्ज है। साडे शहीद जिन्होंने अपने बलिदान दिता इस देश की खातर, इस कौम की खातर, और ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे, उन्हां दी याद ते असी एक प्रोग्राम जिहड़ा होया है उन्हां दी याद ते रखा गया है एक शाम शहीदों के नाम। और मैनू ये लगता है कि ये बहुत जरूरी हैगा कि जिहड़े साडे बच्चे शहीद हो जाते हैं उन्हां दे परिवारां नूं गवर्नमेंट एक बारी कुछ छोटा मोटा दे के उसके बाद जिंदगी भर वास्ते भुल जाते हैं। मैं कह रहा बहुत बड़ा गुनाह हैगा, क्योंकि जेडे परिवार अपने प्यार नू, अपने भरा बेटे नू, या हसबेंड खो बैठा उन्होंने पूछो उन्हें दिलों से की गुजर रही है। मैं अज 13 अगस्त के दिन ये अनाउंस कर रहा कि हर साल एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम होगा, और सारे परिवार जिन्होंने अपने बच्चों शहीद किया उन्होंने सम्मान किया जाएगा, ताकि उन्होंने फख्र हो कि उन्होंने बच्चों ने शहीदी दी है इस मुल्क की खातर, साड़ी कौम की खातर। और सब तो वड़ा एक गल होर मैं कहना चाहना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में एक जुनून भर दिता है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये सारे निकलो 15 अगस्त, अपने कार ये लगाओ झंडा, और झंडा थोड़ी शान है, मान है, आन है, बान है। देखो इन परिवारों की हर प्रॉब्लम का कोई तो कोई समाधान किया जाएगा, वो लिस्ट बनाई जाएगी। अगर वो स्टेट की गवर्नमेंट ने करना होगा तो स्टेट की गवर्नमेंट करेगी, सेंटर की गवर्नमेंट ने करना होगा सेंटर की गवर्नमेंट करेगी। मैं तुम्हें यकीन नाल कहना जेड़ा काम नहीं होएगा, हर 13 अगस्त एक शाम शहीद के नाम जेड़ा प्रोग्राम होएगा उत्थे गवर्नमेंट नू नंगा किया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट साढ़े शहीदों के बलिदान नू बेकार ना समझे, उन्हों का आदर करे, सत्कार करे। एजुकेशन एम्ब्रेन्स नॉट ओनली फैक्ट्स बट ऑल्सो वैल्यूज। इट इनकल्केट्स सच गुड प्रैक्टिसेस विच मे रिवील आवर क्वालिटीज एंड परफेक्शंस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। वी एज अ पार्ट ऑफ A&M इंस्टीट्यूट एम्पावर नॉलेज विद प्रैक्टिकल अप्रोच। Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathan.